हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में बिजली की सब्सिडी ऑप्शनल रहेगी। ऑप्शनल से मेरा मतलब है आप चाहे तो अपनी बिजली की सब्सिडी ले सकते हैं या फिर गिव अप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि यदि आपका दिल्ली में बिजली का बिल 200 यूनिट तक आता है, यानी आपका मंथली कंजप्शन 200 यूनिट्स तक रहता है, तो आपका बिजली का बिल जीरो आता है, यानी आपको बिजली का कोई बिल नहीं देना पड़ता। और यदि आपका मंथली कंजप्शन 400 यूनिट तक रहता है तो आपको 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है। फ्रेंड्स, मई मंथ में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने डिक्लेयर किया था कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिजली की सब्सिडी ऑप्शनल रहेगी, यानी आप चाहे तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। बट ये सिर्फ डिक्लेयर किया था, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर या कोई ऑर्डर नहीं आया था, इसलिए ये सिर्फ डिक्लेरेशन ही थी। और ये कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से दिल्ली में सब्सिडी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, बट 1 जुलाई की बजाय आज 13 जुलाई हो गई, लेकिन दिल्ली में सब्सिडी के फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए, क्योंकि कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं था ना। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी से रिलेटेड SOP जारी कर दी है। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि दिल्ली में सब्सिडी किस तरह से दी जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या उसका रूल रेगुलेशन रहेगा, इन सभी चीज़ों को रिटर्न में दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, मतलब उसका SOP जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में सब्सिडी लेने के लिए जो प्रोसेस होगा, यानी सब्सिडी के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस अगस्त महीने से शुरू होगा। आपका जुलाई महीने का जो बिल आएगा अगस्त महीने में, उसके साथ ही आपका सब्सिडी के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वो कैसे प्रोसेस शुरू होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, दिल्ली में 40% लोगों के घर में बिजली का बिल जो होता है वो फिजिकली आता है, यानी हार्ड कॉपी आता है, पेपर आता है बिजली का बिल का। और 60% लोग जो हैं ऑनलाइन बिजली का बिल जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है उनको ई बिल रिसीव्ड होता है। तो जिनके घर बिजली का बिल फिजिकली आता है, यानी जो 40% लोग जिन्हें बिजली का बिल फिजिकली आता है, उनके बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। उसके अलग से एक कोई फॉर्म नहीं आएगा बिजली के सब्सिडी का, बिजली के बिल के साथ ही एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को भर के आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके जोनल ऑफिस में आपको जाकर जमा करना पड़ेगा। जिनका बिल फिजिकली आता है उनके लिए बात कर रहा हूँ। और उस फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, यानी जिसके नाम से बिजली का बिल आ रहा है उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना है। आधार नंबर नहीं भरना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना है, आधार कार्ड नंबर का कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना है जिनके नाम से बिजली का बिल आता है उनका। और उसके साथ साथ अपना CA नंबर भरना है, CA नंबर आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिल जाएगा। CA नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर भरना है, और मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस भर के आप अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जोनल ऑफिस में जाके उस फॉर्म को फिजिकली आप सबमिट करेंगे। और उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ का बिल आएगा, यानी जो अक्टूबर महीने का बिल आएगा, उस बिल पे आपको सब्सिडी मिलेगी। ये फॉर्म आपको 30 सितंबर तक जमा करना है। जुलाई महीने का जो बिल जनरेट होकर आएगा उसके साथ ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ई बिल रिसीप्ट होता है, यानी कि जिनको फिजिकली बिल रिसीप्ट नहीं होता, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ई बिल, यानी उनके मेल पे उनका बिल आ जाता है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ई बिल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दो अटैचमेंट मिलेगी। पहली अटैचमेंट में तो आपका बिजली का बिल रहेगा, और जो सेकंड अटैचमेंट रहेगी उसमें आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, सब्सिडी से रिलेटेड जो आपका फॉर्म रहेगा वो फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आपको भर के ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है, आपको कहीं लेके नहीं जाना, यानी कि आपको किसी भी ऑफिस में लेके नहीं जाना उस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए। और ऑनलाइन जो आप भरेंगे उसमें आपको आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना होगा, CA नंबर भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, और एड्रेस फिल करना होगा। जो अभी तक की जो जानकारी आ गई है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ई बिल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा, बट जिन लोगों को फिजिकली बिल मिलता है, यानी जिन्होंने फिजिकली बिल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जोनल ऑफिस में, यानी आपके बिजली दफ्तर में जाके उस फॉर्म को जमा करना होगा, बिजली के फॉर्म को सब्सिडी के फॉर्म को भर के ले जाके वहाँ पे सबमिट करना होगा। अभी तक की जो जानकारी के अनुसार, हो सकता है इसको भी ऑनलाइन कर दे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपको उस फॉर्म को जाके दफ्तर में जमा करना होगा, यानी बिजली दफ्तर में जाके जमा करना होगा। यदि इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि आपको इस फॉर्म को ले जाके सबमिट करना पड़ेगा अपने जोनल ऑफिस में जाके, यानी अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जोनल ऑफिस में जाके। और जिनको ई बिल मिलता है उनको तो ऑनलाइन ही लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप फॉर्म भर के उसको सबमिट कर दीजिए। आपका जो नेक्स्ट जो बिजली का बिल आएगा, यानी जो अक्टूबर महीने का जो बिल आएगा, उसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दिल्ली में लगभग 46 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको कि बिजली के बिल की सब्सिडी मिलती है, जिसमें कि 90% लोग ऐसे हैं जिनका बिल जो है 200 यूनिट से कम आता है, यानी उनका बिल जो है जीरो आता है, उनका मंथली कंजप्शन 200 यूनिट से कम है तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आता है 90%। यानी 46 लाख का 90% मान लीजिए 30.5 लाख लोगों का जो बिजली का बिल आता है जीरो आता है, और बाकी के जो 10% बच गए उनका बिजली का बिल जो आता है 400 यूनिट तक आता है, यानी 46 लाख कंज्यूमर को सब्सिडी मिलती है। तो इन 46 लाख कंज्यूमर इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो अपनी सब्सिडी को छोड़ भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सब्सिडी को छोड़ देना चाहिए, आप बिजली बिल भरने में सक्षम है, तो आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हर कोई लेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, और लेना भी चाहिए यार, गवर्नमेंट दे रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। फ्रेंड्स बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लीजिए 30 सितंबर तक अपना सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या होगा। फ्रेंड्स यदि आप 30 सितंबर तक अपने इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते तो कुछ नहीं होगा, आपका अक्टूबर महीने का बिल जो है जनरेट होके आएगा, जिसमें कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अक्टूबर महीने में भी अपने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देते हैं ना, तो नेक्स्ट जो नवंबर महीने का बिल आएगा उसमें सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर तक आप अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको इन फ्यूचर कभी सब्सिडी मिलेगी नहीं। सब्सिडी के लिए विंडो पूरी साल खुली रही है, आपका जब मन करे सब्सिडी के लिए अप्लाई करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देंगे उसके अगले महीने से आपको सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर जो है एक डेडलाइन हो गई, उसके बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेंड्स दिल्ली में सब्सिडी के फॉर्म का फर्स्ट ड्राफ्ट डिजाइन कर लिया गया और इस फॉर्म की शुरुआत चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के एक मैसेज के थ्रू होगी। आप देख सकते हैं मैसेज, और फ्रेंड वो मैसेज कुछ इस तरह से होगा, डियर कस्टमर, फ्रॉम 2015 व्हेन द न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्मड टिल नाउ यू हैव अवेल्ड अ डिस्काउंट। यहाँ पे जो आपने अब तक जो आपने सब्सिडी ली होगी वो सब्सिडी यहाँ पे लिखा आ जाएगा, उस अमाउंट को यहाँ पे लिख के पहले से आपके बिल पे लिखा आएगा, इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड डेट फ्रॉम October 1, 2022 दिस सब्सिडी विल बी गिवन ओनली टू दोज हु ऑप्ट फॉर इट। यानी कि इसमें यह लिखा है कि आप 2015 से सब्सिडी ले रहे हैं और अब जो है 1 अक्टूबर 2022 से आपको सब्सिडी मिलेगी यदि आप सब्सिडी को ऑप्ट करते हैं तब। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू गेटिंग द सब्सिडी देन काइंडली फिल द फॉलोइंग फॉर्म एंड द सबमिट टू इट टू द मेंशन एड्रेस योर अरविंद केजरीवाल। मतलब ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से मैसेज होगा कि यदि आप अपनी सब्सिडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नीचे फॉर्म को भर के मेंशन एड्रेस पे सबमिट कर दीजिए। ये जो है फॉर्म का एक ड्राफ्ट होगा जो कि स्टार्टिंग जो है इस मैसेज के साथ स्टार्टिंग होगा इस फॉर्म का। उसके बाद कुछ इस टाइप से थैंकफुल मैसेज भी रहेगा कंज्यूमर की तरफ से, वो भी फॉर्म पे लिखा होगा, जिसमें कि लिखा होगा, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, आई थैंक यू फॉर द रिबेट गिवन टू अस इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टिल टुडे। यानी इसमें कंज्यूमर बोलेगा चीफ मिनिस्टर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिबेट दी है, आई वांट द सब्सिडी विच आई हैव बीन गेटिंग टू कंटिन्यू, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर द सेम, और जो बिजली के बिल पे मुझे सब्सिडी मिल रही है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस टाइप का मैसेज लिखा आएगा, यानी इस फॉर्म में इस टाइप का मैसेज होगा। इसका भी ड्राफ्ट तैयार हुआ है। फॉर्म की शुरुआत होगी चीफ मिनिस्टर के मैसेज से और एंड होगा कंज्यूमर के मैसेज से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो हिंदुस्तान टाइम्स की दी हुई जानकारी के अकॉर्डिंग दी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके हिंदुस्तान की वेबसाइट पे जाके, यानी हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे जाके आप उसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें कोई मैंने अपने पास से जानकारी नहीं दी, जो मीडिया न्यूज़ से, जो भी बिजली ऑफिस से पता चलता है वहाँ से ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो फ्रेंड्स जिस दिन से सब्सिडी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे उसी दिन मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो BSES का फॉर्म हो, चाहे वो TPDDL का फॉर्म हो, चाहे वो फिजिकली फॉर्म हो, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म हो, सारे फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे वीडियो आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, आप चैनल को रेगुलर विजिट करके जान सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।